अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जुबैर बेग रियल इस्टेट एडवाइज़र से आपके लिए हाजिर खिदमत। व्यूअर्स, मैं आपको लेके आया हूँ आज जिना गार्डन फेज़ वन। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं एक नहायत खूबसूरत घर। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। व्यूअर्स, ये इस साइड पे इसका आपको मैं दिखा दूँ, ये गली का इसका सड़क देख सकते हैं आप इस साइड पर, काफ़ी खुली और चौड़ी सड़क। व्यूअर्स, ये इस साइड से भी आप इसको देख सकते हैं। ये बेसिकली 7 मरले का घर है, डबल यूनिट घर है। ये इसका आप ग्रीन एरिया देख सकते हैं, इसमें बोरिंग मौजूद है। इस बहुत अच्छा और एक खूबसूरत घर, इसका ये आप गेट देख सकते हैं, नहायत खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। फिर जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले कारपोर्ट एरिया आप देखें, इसमें आप दो बड़ी गाड़ियाँ बड़े आराम से पार्क कर सकते हैं। फिर इस साइड पर इसकी बोरिंग वगैरह और अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो मौजूद है। क्योंकि ये दरवाज़ा आप देखें, बहुत हैवी किस्म का दरवाज़ा लगाया गया है। ये इसका मेन डोर और ये इसका ड्राइंग रूम का दरवाज़ा। क्योंकि इस साइड पे आप देखें, ये इसका ओपन का एरिया विवेद, और ये आप देख सकते हैं नहायत खूबसूरत तरीके से एक निश बनाई है और इसमें बहुत एक खूबसूरत आयात लिखी गई है। क्योंकि जैसे ही अब हम इसकी मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल होंगे, वैसे देख सकते हैं तो ये सीढ़ियां आपको ऊपर की जानिब जाती हुई नजर आएंगी। और इस साइड पे जब हम दरवाजा, ये सीढ़ियों, हम ये इसका फिर मेन एंट्रेंस यानी कि टीवी लॉन्च की एंट्रेंस है ये इसकी। जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं, ये सबसे पहले टीवी लॉन्च आप देखें, इसका फ्लोरिंग आप चेक करें, बहुत प्यारी फ्लोरिंग और बहुत प्यारा टीवी लॉन्च। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया। ये सामने दो कमरे और ये साइड पे इसका किचन। सीलिंग भी इसकी मैं आपको दिखाता चलूँ, नहायत खूबसूरत सीलिंग आप देख सकते हैं ये। और इस साइड पे ये इसका आ जाता है ड्राइंग रूम का एरिया। क्योंकि इसका ड्राइंग रूम का एरिया आप देख सकते हैं, एक नहायत मुनासिब साइज का ये ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं ये। इसकी सीलिंग भी मैं आपको दिखाता चलूँ, बहुत प्यारे अंदाज में इसकी सीलिंग की गई है। और इस साइड से भी मैं आपको ये दिखाता चलूँ, ये देखें इस साइड से भी इसका व्यू, सामने टीवी लॉन्च, इसकी मीडिया वॉल आपको नजर आ रही होगी, ये खूबसूरत सा फानूस। इस साइड पे इसका ये किचन आ जाता है। किचन में देखें खूबसूरत लाइटिंग ये आप देख सकते हैं, एक नहायत उम्दा और खूबसूरत किचन है ये। आपको थोड़ा करीब से भी दिखा देता हूँ, ये देखें इस साइड से इसके ये वर्किंग टेबल के नीचे भी कैबिनेट दे दिए गए हैं। अक्सर मैंने देखा है कि वर्किंग टेबल के नीचे कैबिनेट वगैरह नहीं होती। अब हम चलते हैं इसके कमरों की जाने। ये इसका फर्स्ट बेडरूम, दो बेडरूम का घर है, नीचे टीवी लॉन्च, किचन, ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं इसका ये एरिया। और इसकी सीलिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर भी नहायत खूबसूरत तरीके से सीलिंग की गई है। ये जी इस साइड पे इसकी अलमारी आपको नज़र आ जाएगी, एक काफ़ी बड़ी अलमारी इसके साथ। ये दरवाज़ा बैक यार्ड की जाने, अभी उसका भी हम देखते हैं। अभी बस जिसका वॉशरूम आ जाता है, बैक यार्ड का एरिया भी देख लेते हैं हम जरा। अभी जिसका बैक यार्ड एरिया, यहाँ पर आपको इसका वॉशिंग एरिया मिल जाएगा, यहाँ अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। जो यहाँ पर भी एक छोटी सी है, इन्होंने अगर आप यहाँ टीवी अपना लगाना चाहे तो उसकी नीचे छोटी सी मीडिया वॉल बना दी गई है, देख सकते हैं आप। इस फ्लोरिंग बहुत खूबसूरत है, दरवाजे भी बहुत खूबसूरत दरवाजे हैं। विवेक इसका दूसरा कमरा आप देख सकते हैं, सीलिंग जो है बहुत प्यारी सीलिंग की गई है, आप ये देख सकते हैं सारी सीलिंग इसकी। और अब ये इस साइड पे इसकी अलमारी आ जाती है।
कपड़ों की अलमारी आप देख सकते हैं, काफी बड़ी अलमारी है ये, छोटा सा रैक दे दिया गया यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज रखने के लिए। और ये इसका वॉशरूम आप देख सकते हैं, अब हम चलते हैं इसकी छत की जानिब, छत कह रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर की जानिब। सीढ़ियां इसके ऊपर हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे इसके। जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं ये इसका मेन एंट्रेंस टीवी लॉन में खुलती है इसके, और इस साइड पे ये इसको एक वॉशरूम दिया गया, देखें इस साइड पे इसका टेरेस आ जाता है। शीशे वाली ग्रिल लगा दी गई है यहाँ पर, टेरेस ओपन टेरेस है ये बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस पे। और यहाँ पे एक नल लगा दिया गया है, और इस साइड पे ये इसका कमरे का दरवाजा भी है। ये जो ड्राइंग रूम के ऊपर कमरा है ये वो है, मैं भी आपको दिखाता हूँ इसको, क्योंकि इसका टीवी लॉन्च आ जाता है, देखें आप। इस साइड भी इसका किचन, इसको भी हम देखते हैं बाद में, पहले मैं आपको इसकी सीलिंग वगैरह दिखा दूँ सारी। इस साइड पे ये इसका ड्राइंग रूम, ऊपर वाले पोर्शन का ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं। सीलिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए, बहुत अच्छे फानूस के साथ सीलिंग। ये दरवाजा, इधर से भी आप टेरेस पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, इधर से भी इसका एक व्यू ले लेते हैं जरा। इधर सामने ये इसकी मीडिया वॉल, खूबसूरत आयत के साथ मुजयन ये दीवार देख सकते हैं आप, फानूस भी बहुत खूबसूरत फानूस, यहाँ भी लाइटिंग दिखें। ये इसका किचन का एरिया, इस फ्लोरिंग किचन में देख सकते हैं फ्लोरिंग भी इसकी। ये बहुत उम्दा और खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके कमरे की जाने, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक बहुत खुला और बड़ा कमरा, खूबसूरत सीलिंग के साथ। इसकी बड़ी सी एक अलमारी आ जाती है यहाँ पे, और ये इसका वॉशरूम भी देख सकते हैं, निहायत उम्दा वॉशरूम। अब हम चलेंगे इसके दूसरे कमरे की जानिब, जिसका दूसरा कमरा मुलाहिज़ा कीजिए। इसकी सीलिंग भी देखें आप, बहुत उम्दा और खूबसूरत सीलिंग, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं किया गया, सिंपल और सादा और खूबसूरत काम। जिसकी बड़ी सी एक अलमारी यहाँ भी मौजूद, यहाँ भी छोटा सा रैक दिया गया है, और ये इसका वॉशरूम देख सकते हैं आप। अब हम चलेंगे इसकी छत की जानिब, इस फ्लोरिंग बहुत उम्दा किस्म की फ्लोरिंग आप देख सकते हैं ये। अब हम छत को भी देखते हैं, नजर डाल लेते हैं छत पे भी।
विवेक जी 36 की। विवेक जी यहाँ पर इसके ऊपर भी एक सर्वेंट रूम दे दिया गया, देख सकते हैं आप। और ये सर्वेंट रूम के साथ एक वॉशरूम भी दिया गया है। वॉशरूम आ जाती है इसकी छत। जिसको छत कह रही है आप देख सकते हैं। ओवरऑल ये ताजों में एक बहुत अच्छा और खूबसूरत घर, नहायत मुनासिब कीमत है। यहाँ पे भी आपको एक वॉशिंग एरिया दिया गया काफी बड़ा। ऊपर आप टैंकी देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का टैंक ऊपर रखा गया है बम्टी पे। मैं आपको बताता चलूँ, ओवरऑल ये बहुत अच्छा और खूबसूरत घर एक्सप्रेस वे से चंद मिनट की ड्राइव पर। व्यूअर्स यहाँ पे स्कूल, मार्केट्स, मसाजिद सब जो है आपको बहुत करीब मिलेंगे। व्यूअर्स इसके साथ ही मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। व्यूअर्स और एक बात, अगर इस वीडियो में कोई मसला हो या कोई आप मुझे अच्छी सलाह देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, तो हम इस तरह आपको और अच्छी वीडियो बना के देते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।